नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतगणना के बाद उम्मीदवार के जो समर्थक थे वो लोग जीत का जश्न मना रहे थे और इस जश्न के तौर पे वो लोग शराब की पार्टी कर रहे थे। इस बात की सूचना सकरा थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को मिली और वहाँ पर छापेमारी करने पुलिस भी पहुँची, जिसके बाद जो लोग उस पार्टी में शामिल थे उन लोगों के तरफ से पुलिस वाले पर पत्थरबाजी किया गया। जी हम आपको बता दें कि ये जो खबर है वह रघुनाथपुर दोनवा पंचायत के छिटकाही गाँव में शराब पार्टी चल रही थी वहाँ की है और शराब पार्टी की सूचना पर छापेमारी करने पहुँची पुलिस की टीम को बंधक बनाने का भी प्रयास किया गया, साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी की गई। इस घटना में लगभग 7 पुलिस कर्मी जो थे वो भी घायल हो गए। बंधक की सूचना पर पहुंची जिले के वरीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद लोगों को समझा बुझा कर ये पूरा मामला जो है वो शांत करवाया गया और बंधक बने पुलिस कर्मी को भी छुड़वाया गया। वहीं इस मौके पर कई सारे जो पुलिस हैं वो भी घायल हो गए और उनका इलाज अभी जो है वो अस्पताल में चल रहा है। साथ साथ हम आपको ये बता दें कि जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर दोनवा पंचायत के पूर्व उप मुखिया सह वार्ड सदस्य के घर जीत का जश्न मन रहा था। इस तरीके से हम आपको बता दें कि रघुनाथपुर दोनवा पंचायत के पूर्व उप मुखिया सह वार्ड सदस्य के घर जीत का जश्न मन रहा था और वहां पर जीत की जो पार्टी है वो शराब के साथ की जा रही थी और इस बात की जानकारी सकरा थाना क्षेत्र के पुलिस को मिली और पुलिस वहां पर पहुंची। लेकिन लोगों की इस तरीके से उनकी हिम्मत देखिए कि वो लोग पूरे तरीके से प्लान थे कि अगर पुलिस आती है तो ये हरकत करेंगे। उन्होंने पुलिस वाले पर पत्थरबाजी की और साथ ही साथ कुछ पुलिस वाले को बंधक भी बना लिया है। इसमें जो घायल पुलिस वाले हैं उनका क्या कहना है आप जरा सुनिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम जो है वो दिया गया है। ये घटना सर कैसे हुआ आप लोग के साथ? हम लोग गए थे वहाँ पर शराब को वहाँ पर लगभग 40 से 50 आदमी सब छत पर छिपा हुआ था। उसके बाद हम लोग जैसे ही पहुँचे वह ऊपर से ईटा पत्थर फेंकने लगा। ये किस जगह का घटना है सर? दोनवा छिटकाही दोनवा झिटकाही। आपका नाम क्या हुआ सर? सुमन। ये घटना कैसे हुआ है सर? पहले से फोर्स पदाधिकारी को बंधक उन्धक बनाया हुआ था। हम लोग बाद में गए तो थोड़ा बाजी करने लगा, लाती है कि हरी मोहन मुर्गा से किया गया, थोड़ा बाजी भी किया गया, उसी में हम लोग घायल हुए। ये घटना कहाँ पर हुआ था? झिटकाही में हुआ था। झिटकाही कितने फोर्स घायल हुए हैं वहाँ पर? आपका नाम क्या हुआ? अंकित कुमार। ये घायल पुलिस वाले किस तरीके से बता रहे हैं कि इन्हें जानकारी मिली थी कि वहाँ पर शराब पार्टी चल रही है और उसी को लेकर ये लोग वहाँ पे छापेमारी करने के लिए गए थे और तभी छत पर कुछ लोग जो है वो बैठे हुए थे और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया और जो लोग पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे थे उनको उन लोगों ने बंधक भी बना लिया है। इसी के साथ DSP हैं मनोज कुमार, उनका क्या कहना है आप जरा सुनिए। क्या कुछ के सूचना पर पुलिस गई थी? सकरा थाना अंतर्गत सूचना मिली थी कि जो उप मुखिया हैं उनके घर पे शराब की पार्टी चल रही है। उसी सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष के द्वारा अंजार आलम को भेजा गया। जब अंजार आलम जो कि थाने के सब इंस्पेक्टर हैं वहां पर गए तो पुलिस टीम को वहां लोगों ने रोड़ेबाजी की, मारपीट किया, बंधक बनाने का प्रयास किया। उन आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष स्वयं वहां पर गए तो उनके साथ भी वहां पर रोड़ेबाजी हुई है। कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हैं, इंजर्ड हैं। इसके बाद पुलिस की पूरी टीम दल बल के साथ गई है और उसमें से 5-6 लोग वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है। जी बिल्कुल, घटना वहाँ से लाठी, दाबी, फरसा, भाला, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया ये लोग प्री प्लान में थे और पुलिस पर? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्री प्लान ही था ये, चूँकि जैसे ही SHO वहाँ पे पहुँचे हैं इमीडिएटली उनके ऊपर रोड़ेबाजी, फरसा, दाबी से उनके ऊपर हमला किया गया है। फर्दर आगे इसमें क्या कार्रवाई की? हम लोग बिल्कुल अभी वहाँ पे फोर्स तैनात है, स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और जो भी लोग घटना में संलिप्त हैं, शामिल हैं, डेफिनेटली उनकी अरेस्टिंग होगी।
डीएसपी जो है उन्होंने साफ तौर से बताया है कि ये जो पूरी घटना है वो सकरा थाना क्षेत्र की है और किस तरीके से हो सकता है कि ये लोग पूरे तरीके से फुल प्लानिंग करके ये लोग बैठे हुए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये हरकत करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से वहाँ पर पुलिस वाले को बंधक बनाया गया है। हालाँकि पुलिस को छुड़ा लिया गया है, जो लोग जो भी पुलिस वाले को बंधक बनाया गया था, और आगे की कार्रवाई जो है वो उन पर भी की जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर मुजफ्फरपुर से। रुपेश कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।